हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्यूटेटर्स, एंटी कम्यूटेटर्स और साथ ही साथ हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देखेंगे और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे। तो पहले देखते हैं कम्यूटेटर क्या होता है। मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जर्वेबल को अगर हम सेम टाइम पर मेज़र करते हैं तो उसका जो कम्यूटेटर होगा वो ज़ीरो होगा। इज़ दैट क्लियर? जैसा कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को हम लोग वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से। तो अगर इस पार्टिकल का हमें पोजीशन पता करना हो या मोमेंटम पता करना हो तो हम इस पार्टिकल का पोजीशन यानी डेल्टा एक्स और मोमेंटम यानी डेल्टा पी को हम एक ही टाइम पे नहीं मेज़र कर सकते। ये हम लोग जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो ये तो नॉन कम्यूटेटर होगा यानी एंटी कम्यूटेटर होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर हम दो ऑब्जर्वेबल को सेम टाइम में मेज़र कर लें तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटर, और उसका कम्यूटेटर कितना होगा? ज़ीरो होगा। कितना होगा? ज़ीरो। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन कम्यूटेटर। इज़ दैट क्लियर? अगर दो ऑब्जर्वेबल को हम सेम टाइम पे मेज़र कर लें तो वो होगा कम्यूटेटर, और जो कम्यूटेटर होता है वो ज़ीरो होता है। इज़ दैट क्लियर? और ये क्या होगा? नॉन कम्यूटेटर, क्योंकि हम पोजीशन को और मोमेंटम को एक ही टाइम पे मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगा? नॉन कम्यूटेटर। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं मैथमेटिकली। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे दो ऑपरेटर, एक ऑपरेटर ए और एक ऑपरेटर बी। तो कम्यूटेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से, और इसको ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर कम्यूटेटर ए हैड कॉमा बी हैड, ये किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर कम्यूटेटर के लिए क्या होगा, ये ज़ीरो के इक्वल होगा, और नॉन कम्यूटेटर के लिए ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? हमने यहाँ पे दो ऑपरेटर लिया है और कम्यूटेटर के लिए ये फॉर्मूला होता है, और कम्यूटेटर अगर होगा तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा, अदरवाइज़ ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हमने मैथमेटिकली भी जाना कि कम्यूटेटर क्या होता है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये होगा एंटी कम्यूटेटर। अब चलिए अपना देखते हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम इन दोनों को एक ही टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते, तो ये तो कम्यूटेटर नहीं होगा, नॉन कम्यूटेटर होगा। तो चलिए इसको शो करते हैं कि कैसे ये नॉन कम्यूटेटर है। तो उसके लिए हमें जानना होगा पोजीशन और मोमेंटम, क्योंकि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है? पोजीशन होता है और मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है, पी हैड इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन ऑपरेटर को हम लोग लिखते हैं एक्स हैड से, और ये होगा एक्स डॉट। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस पे पूरा मानना चाहते हैं पोजीशन, तो क्या होगा? सभी कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हर जगह तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। तो इसीलिए एक्स डॉट को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन ऑपरेटर। एक्स हैड इज इक्वल टू एक्स डॉट। इज दैट क्लियर? और ये है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। अब हम जैसा कि जानते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम को हम सेम टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये क्या होगा? नॉन कम्यूटेटर। क्योंकि अगर हम सेम टाइम पे मेज़र कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, दो ऑब्जर्वेबल को, तो वो होगा कम्यूटेटर, और उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे शो करेंगे कि जो मोमेंटम है और पोजीशन है वो नॉन कम्यूटेटर है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो लेट्स कंसीडर पी हैड एंड एक्स हैड। ये पी हैड क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर। एक्स हैड क्या है? पोजीशन ऑपरेटर। फॉर द फंक्शन ज़ाई, यानी वेव फंक्शन ज़ाई के लिए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पर ऑपरेटर का, कम्यूटेटर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हैड कॉमा बी हैड इज इक्वल टू ए हैड बी हैड माइनस बी हैड ए हैड। तो यहाँ पे भी हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हैड एक्स हैड माइनस एक्स हैड पी हैड। इज दैट क्लियर? फॉर द वेव फंक्शन साई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोमेंटम ऑपरेटर का। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? पी हैड इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे हम रख देंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सिंपली इसको लिख देंगे एक्स डॉट, और यहाँ पे साई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जब हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस होता है और फॉर्मूले भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा आई एक्स, इसको लिखेंगे एक्स डॉट, और एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे जाई से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? ये स्टेप आपको क्लियर? देखिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे जाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एक्स कैप का क्या हो गया, एक्स डॉट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप माइनस आई एच क्रॉस को लिख दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंशिएशन हो रहा है दो फंक्शन का, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साई, और प्लस यहाँ पे एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और आई एक्स एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई एच क्रॉस साई माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एक्स एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हम कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस साई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि पी हैड और एक्स हैड और जाई, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन कम्यूटेटर, नॉन कम्यूटेटर, यानी कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पोजीशन और मोमेंटम को हम सेम टाइम पे नहीं मेज़र कर पा रहे हैं। तो कम्यूटेटर की डिफिनेशन भी यही बताती है कि अगर हम सेम टाइम पे नहीं मेज़र कर पा रहे हैं तो वो नॉन कम्यूटेटर होगा, और नॉन कम्यूटेटर होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, पी हैड कॉमा एक्स हैड इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस, सिंपली इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।